वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए जो ब्रेकफास्ट में रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मूली के पराठे। तो यहाँ पे आप जैसे कि चीज़ें देख रहे हैं कि एक एक मूली है, मैंने एक ही मूली ली है, ठीक है। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी और जो मसाले इसके अंदर जाएंगे, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, ये मैंने जो फ्रेश जिंजर होता है उसको ग्रेट कर लिया था, और पार्सली। ये मेरी पार्सली अगर आपको ऐसी लग रही है तो ये मैंने फ्रोज़न ली है। जो फ्रेश पार्सली होती है उसको वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लें, एंड देन उसको जिप लॉक बैग के अंदर आपने जो है उसको फ्रीज कर लेना। जब आपका दिल करे जितनी निकालनी है तो उतना निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम मूली को ग्रेट कर लेंगे। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की मदद से। ये देखें, ये जिंजर को मैंने ग्रेट किया था, वो भी मैं आपके सामने थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने जो सबसे छोटे वाला ग्रेटर के अंदर है ना, उससे मैंने यूज़ किया था। ये देखें, ये देखें कितने अच्छे फाइनली चॉप हुए। सो इसी तरह ही मूली को भी हम कर लेंगे, लेकिन मूली के लिए मैं ये वाला जो है ग्रेटर का पार्ट, मैं ये वाला यूज़ करूँगी। चलें जी, काम को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी मूली जो है कितनी अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसको जो है हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। और फ्रेश जो जिंजर हमने कट किया था वो भी ऐड कर देंगे। जिंजर डालने, देखिए मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैं रेगुलर आटा, जो होममेड आटा होता है, जो हमने ऑलरेडी गूंद के रखा होता है पराठों और रोटी के लिए, मैं वो ही यूज़ करूँगी। मैं इसके लिए कोई स्पेशल जो है आटा नहीं गूंदूँगी कि जो मैं आपको बताऊंगी जी इसके अंदर इतने मैदे डाल दें या इतनी आटे के कप डाल के आप इसको गूंदें तो आपकी मूली के पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसके लिए स्पेशल कोई आटा गूंदना चाहते हैं तो आप ज़रूर गूंदें। मैंने जो रेगुलर आटा रोटी मैंने एक पेड़ा लिया है। और ये जो आपको जला हुआ नज़र आ रहा है मेरा कटर कटिंग बोर्ड, ये इसकी भी एक स्टोरी ये है कि मैंने जो क्या किया था कि यहाँ पर चूल्हे के ऊपर ही मैं यहाँ पे कुछ बना रही थी, तो मैंने इसको ना साइड पर रख दिया पकाते हुए, तो इसको आग ने बर्न कर लिया था, तो मैंने फ़ौरन से इसको जो है ना बुझाया। तो आपने मेरी तरह का ये ब्लंडर नहीं करना, ऐसी चीज़ों को आग से दूर ही रखें तो बेहतर है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से टॉडलर का घर है और आपको पता है कि कितना हेक्टिक हो जाता है। जिनके बच्चे हैं वो ज़रूर इस बात को समझते होंगे कि एक बच्चा है या दो बच्चे हैं या छः बच्चे हैं, आपके दिमाग की दही जो है ना सब बराबर ही करते हैं। एनीवेज, ये थी एक बात जो मैं कहा चले शेयर कर दूँ। अब मैंने क्या किया कि मूली के अंदर मैंने भर दी है, मुझे जो है इसका मिक्सर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया। अब मैं इसको ऐसे रोल करूँगी। ये मैंने मेरा ये जो है ना रोलिंग का ये तरीका नहीं था। अक्सर मेरे से क्या होता था कि जब मैं आलू के पराठे बनाती थी ना तो वो मुझसे फट जाते थे। तो मैंने नेट के ऊपर ही किसी की ये वीडियो फॉलो कर रही थी कि इसका क्या तरीका होता है, बहुत पहले की बात है, मतलब साल दो साल पहले की बात है। तो उन्होंने इस तरह जो है ना रोल किया हुआ था, और फिर उसके बाद जब मैंने आलू के पराठे बनाए तो मेरे बहुत अच्छे बने, और यह तरीका मुझे सिंपल भी लगा था, बजाय इसके कि पहले मैं एक पेड़ा लूँ और आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मूली का जो है ना आपने पानी ड्रेन कर लेना है, क्योंकि मूली जो है वो अपना पानी खुद छोड़ती है, तो उससे जो है ना पराठा फिर वो फट जाता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बनाते हैं, तो मैं क्लीन कर लूँ। फिर मैंने जिस
जैसे कि आपको दिखाया था कि बस उसी तरह इसके मिक्सर में बीच में ऐड कर दूंगी और हम पराठे की शेप उतनी ही बनाएंगे जितनी हमारे से हैंडल हो सके, क्योंकि मूली इट्सल्फ का पराठा मुझे जो है बनाने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका पानी भी ये। फ्रीजर भी ऑन पहुंची है, ये देखें, ये लो, वेलकम। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो अभी मैंने फ्रीजर को भी ब्रेकफास्ट करवाना है, वरना इसको अगर आप पूरा दिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसने कुछ भी नहीं खाना। बच्चा टाइम तवज्जो मांगता है, उसको आपको बड़े तरीके के साथ जो है ना खाना। बस ये हमारा ब्रेकफास्ट है, और हामिद आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। कैसा प्रोडक्ट? फरीजा बैठ जाओ जी, आगे फरीजा ज़ॉम्बी बनने के लिए नीचे बैठो, कैमरे में फिर आप नजर आओगी ना। बना मूली का पराठा, फरीजे को मेरे से मोहब्बत हो रही है इस टाइम पे, और बैठ गई मैं गोद में आकर। हाँ, ऑडियंस को ना आपका इशारा समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं यहाँ पे हंसने की मेरी वजह ये है कि असल में मैंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड के सामने जब पराठा लेकर आई ना, तो मेरे हस्बैंड ओके भाई चाय गिर देगी, तो मेरे हस्बैंड ना जोक करने लग गए, कहते हैं क्या कहा था स्टार्ट में, क्या था कि मेरी कहानी मेरी निके जो दो पराठे रखे थे, कह लिए रज के खाओ। तो मैं बहुत ज्यादा हंसे हम, और मैं इतना करी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज ये कैमरे के सामने बोला टालो, ये है ना इट्स लाइक अ जोक। तो अब फैमिली है तो मेरे हस्बैंड ऐसे मजा